हाय फ्रेंड्स, आइए हम लोग आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे VBA में फंक्शंस क्रिएट करना। ठीक है, तो सिस्टम यानी कि एक्सेल में ऑलरेडी बहुत सारे फंक्शंस क्रिएटेड होते हैं सिस्टम के द्वारा। जैसे सम हो गया, सम का फंक्शंस है ऑलरेडी क्रिएटेड है, ये सारे फंक्शंस हैं। सम इफ एस, काउंट है, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, ये सारे क्या है, फंक्शन है जो कि ऑलरेडी सिस्टम डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यूजर डिफाइंड फंक्शंस चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हम चाहते हैं कि अपनी मर्जी से कोई भी कैलकुलेशन हमें अगर करना है तो उसका एक खुद का फंक्शन क्रिएट करें। ठीक है, तो सबसे पहले अल्ट F11 प्रेस करेंगे। यहाँ हम आ गए इस विंडो में। अब यहाँ पे अभी तक हमने सबसे स्टार्ट करना सीखा था VBA में, अब यहाँ पे फंक्शन से स्टार्ट करेंगे क्योंकि हमें यहाँ पे फंक्शन राइट करना है। फंक्शंस, फंक्शन का नाम देंगे, मान लो हमें टू वैल्यू को ऐड करवाना है। ठीक है, ऐड नंबर, नंबर्स करके हमने यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब जैसे ही हमने यहाँ पे क्रिएट करा, यहाँ पे जैसे ही ऐड नंबर्स करके आने लगेगा, अगर मैं इसको यहाँ से यहाँ जाकर के ये देखिए इसको स्केप करते हैं, यहाँ जाकर के अगर मैं डिलीट कर दूँ, डिलीट कर दिया एंड यहाँ पे जाकर के अगर टाइप करूँगा तो ऐड नंबर्स का नहीं आएगा। ठीक है, जैसे हमने राइट करा था वहाँ पे शो कर दिया था। ठीक है, फिर से इसको, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम। ऑप्शन में गए एंड यहाँ कर लेते हैं 16। ठीक है, ये देखिए फंक्शन, उसके बाद क्या था, एड नंबर्स, नंबर्स। ठीक है, अब ये फंक्शन फिर से शो करेगा वहां पे, यहाँ पे देखिए एड नंबर्स यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, फंक्शंस क्रिएट करना है एड नंबर्स नाम का। अब इसमें क्या करवाना है हमें, जो भी वेरिएबल डिफाइन करना है अगर, तो इस ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर करवाना होगा। ठीक है, तो मान लो हमें वेरिएबल लेना है, ये दोनों जो फंक्शन ऐड नंबर दो वैल्यू को ऐड करेगा, तो वेरिएबल्स में क्या हो सकते हैं, ये इंटीजर हो सकता है, डबल हो सकता है, बाइट हो सकता है या लॉन्ग हो सकता है यहाँ पे वैल्यू के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर लेता हूँ सपोज नॉर्मली दो नंबर्स को ऐड करवाना है तो लॉन्ग ले लेता हूँ, हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू भी हो, ऐसे तो इंटीजर भी काफ़ी है, बट मैं यहाँ पर लॉन्ग ले लेता हूँ क्योंकि उससे अगर बड़े से नंबर्स भी होंगे तो उनको भी, उनके भी वैल्यू को भी कैलकुलेट कर लेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ लेता हूँ ए, ए एच लॉन्ग एंड बी, बी एच लॉन्ग। ठीक है, ए और बी दो वेरिएबल हमने डिफाइन कर लिया। ठीक है, अब ये जो फंक्शंस, ये तो यहाँ पे लॉन्ग यहाँ पे जो हमने दिया है ये वेरिएबल्स जो ए और बी तो जो वेरिएबल डिफाइन करा है उसका डेटा टाइप है। ठीक है, लेकिन ये जो हमने फंक्शंस क्रिएट करा है, फंक्शंस का डेटा टाइप क्या है, तो ऑब्वियसली फंक्शंस का डेटा टाइप अगर वैल्यू है वहाँ पे
वैल्यू हमने यहाँ लॉन्ग लिया है, तो लॉन्ग क्यों होगा, एच लॉन्ग, ठीक है, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेटली आउटपुट हमें चाहिए इसमें चाहिए लॉन्ग में चाहिए, ठीक है। आप इंटीजर भी ले सकते थे, लॉन्ग डबल भी ले सकते थे, बाइट भी ले सकते थे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्ग लिया है, तो यहाँ वेरिएबल का भी डेटा टाइप हमने लॉन्ग लिया एंड जो फंक्शंस है उसका भी डेटा टाइप लॉन्ग लिया है। अब ये जो हम फंक्शंस क्रिएट कर रहे हैं, इस फंक्शंस में एक्चुअली में कैलकुलेशन क्या करवाना है, कैलकुलेशन जो हमें करवाना है, ये देखिए यहाँ पे कंट्रोल सी कर लिया, इसको इसकी एड नंबर्स एज इक्वल टू, मान लो हमें ए प्लस बी करना है, क्योंकि हमें दो नंबर्स को ऐड करवाना था, ठीक है। तो ऐड नंबर्स इज इक्वल टू ए प्लस बी कर दिया, एंड यहाँ पे ब्रेक पॉइंट्स कर देंगे, ए ब्रेक पॉइंट्स, क्योंकि ये जो फंक्शंस है ए फेड से रन नहीं होता है, तो इसको करना क्या होता है, हमें ब्रेक कोड या ब्रेक पॉइंट्स लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है। एंड यहाँ पे आ करके जैसे ही टाइप करेंगे ऐड नंबर्स, यहाँ दो नंबर्स देंगे हम, सपोज हमने 10 दिया एंड 50 दिया, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज करा, एंटर, ये देखिए यहाँ ये जैसे ही रन होगा यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या कर रहे हो, 10 एंड 50 को सम कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट्स, जिस तरह का कैलकुलेशंस आपको चाहिए या करना है और वो एक्सेल में अवेलेबल नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से यहाँ पे बीपीए के थ्रू फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एक और फंक्शंस क्रिएट करते हैं आगे, फंक्शन यहाँ पे हम लोग सीखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स, ठीक है, निकालना। जैसा कि हमें पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल फंक्शंस बना रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको ऑलरेडी पता है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा हुआ था बुक्स में, मैथ्स में, कि लेंथ इनटू और वेट्स, ठीक है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इनटू वेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहले तो डेटा टाइप देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, ये जो पैरामीटर यहाँ पे डिफाइन करेंगे, मीन्स वेरिएबल जो डिफाइन करेंगे, ठीक है, उसका डेटा टाइप देना पड़ेगा हमें। तो दोनों जो वैल्यू होगा लेंथ वेथ किस में होगा, इंटीजर में ही, इंटीजर में हो सकता है, यानी कि वैल्यू में है तो इंटीजर हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, बाइट हो सकता है, डबल हो सकता है। तो मैं मैक्सिमम वैल्यू ही ले लेता हूँ लॉन्ग को, या इंटीजर भी ले सकते हैं क्योंकि इंटीजर काफ़ी होता है, या लॉन्ग ही ले लेते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एल एच लॉन्ग एंड डब्लू एच लॉन्ग, ठीक है। एल एंड डब्लू दोनों को हमने क्या ले लिया, दोनों का डेटा टाइप हमने ले लिया यहाँ पे लॉन्ग, ठीक है। लॉन्ग इसलिए लिया कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू भी आएगा और इंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हमने जो वेरिएबल दिया हुआ है यहाँ पे लॉन्ग, इसका जो पैरामीटर है, ये जो डेटा टाइप हमने लॉन्ग दिया है,
वेरिएबल्स के लिए दिया हुआ है, लेकिन जो हमने फंक्शंस क्रिएट करा है, फंक्शंस का डेटा टाइप क्या होगा एक्चुअली, हमें जो आंसर चाहिए होगा वो किस में चाहिए, तो एज लॉन्ग में ही, एज लॉन्ग में चाहिए, ठीक है। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैं यहाँ से अगर कॉपी कर रहा हूँ इसको, ध्यान रहे कि ए जो यहाँ पे जो आपने डिफाइन करा है नेम, वही यहाँ पे लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर थोड़ा सा भी आपने मिस्टेक्स करा इसको टाइप करने में, तो वो आपका शो नहीं करेगा वहाँ पे एक्सेल में वो फंक्शंस, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू हमें क्या करना है, लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ, ठीक है। अब सिंपली इसको हमें क्या करना है, ब्रेक कोड कर देंगे एंड इसको, ये देखिए यहाँ पे हम आते हैं एक्सेल में एंड यहाँ पे अब देखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो मान लो एक का वैल्यू मैंने 20 ले लिया एंड सेकेंड का वैल्यू कुछ भी हो सकता है 30 ले लिया, ठीक है। ब्रैकेट जैसे ही क्लोज करा, इंटरफेस करा, अभी तक वैल्यू शो नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करवाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे वैल्यू एक मिनट शो करेगा, इसको हटाते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये देखिए वैल्यू शो कर दिया, ठीक है। जैसे दूसरा वैल्यू इंटर करके देखते हैं हम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। यहाँ पे मान लो मैंने 25 ले लिया एंड यहाँ पे 10 ले लिया, ठीक है। तो इंटर प्रेस करो, ये देखिए इसको रन करवाते हैं, रन करवाते ही यहाँ पे हाइट्स एंड विड्थ को मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करके वैल्यू शो कर दिया जो मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन डिफाइन करा था, ठीक है। तो इस तरीके से आप चाहें तो अपनी मर्जी के हिसाब से फंक्शंस क्रिएट करवा सकते हैं BPA के थ्रू, एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल हो तो अपने फ्रेंड्स को शेयर करें एंड लाइक करें, कमेंट करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स।